नमस्कार, मैं हूँ सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। बंगाल से आ रहे रुझाओ और तृणमूल कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती देख अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दिया है। उद्धव ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल की जनता के स्वाभिमान के लिए अकेली लड़ रही थी, उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अंत में विजय उनकी ही हुई। उन्होंने कहा कि इस विजय का श्रेय बंगाल की शेरनी को ही जाता है। उद्धव ने बीजेपी का कटाक्ष करते हुए कहा, पीएम गृह मंत्री के साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ममता बनर्जी को हराने के लिए एक हो गई थी, लेकिन सभी शक्तियों को धूल में उड़ाते हुए उनको विजय मिली। मैं उनका और बंगाल की जनता का अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने अपील की कि अब इस राजनीति को खत्म कर सभी को मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर ध्यान देना चाहिए और इसे खत्म करते ही दम लेना चाहिए। जीत की तरफ बढ़ती ममता को बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है और गैर एनडीए दलों के नेता भी खुशी जता रहे हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ममता को सोशल मीडिया पर बधाई दी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बंगाल में टीएमसी की जीत पर बधाई दी। उन्होंने साथ ही दीदी जियो दीदी हैशटैग भी इस्तेमाल किया। वह चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल गए थे और ममता बनर्जी का खुलकर समर्थन किया। अखिलेश ने ट्वीट किया, पश्चिम बंगाल में भाजपा की नफरत की राजनीति को हराने वाली जागरूक जनता जुझारू, ममता बनर्जी और टीएमसी के समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। यह भाजपा के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष दीदी ओ दीदी का जनता की ओर से दिया गया मुंहतोड़ जवाब है।